हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बाय मीनाक्षी सिंह। और मैं आज आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स की डेफिनेशन कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन लिबर्टी एंड इक्वालिटी में क्या क्या बताता है। जैसे क्वेश्चन आपका आता है ना कि कौन पूरक बताता है और कौन कैसे, है ना। सो सबसे पहले प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो। सो रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हम देखें जो विरोधी मानते हैं, विरोधी मतलब समझ रहे हो, दे आर एंटीथेटिकल, यानी कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी को एक दूसरे का एंटीथेटिकल मानते हैं, कि लिबर्टी और इक्वालिटी आपस में कैसी होती है, एंटीथेटिकल होती है, विरोधी होती है। तो वो कौन कौन थिंकर है, वो थिंकर आते हैं सबसे पहले लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो आपको इमेज में नजर आ रही है लॉर्ड एक्टन है। द पैशन फॉर इक्वालिटी मेक वैन फॉर द होप फॉर फ्रीडम। तो लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि समानता का जुनून स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर देता है। किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने। तो ये ध्यान रखना, ये विरोधी में आते हैं, यानी कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी को एक दूसरे का क्या मानते हैं, विरोधी मानते हैं। इन्होंने क्या बोला कि समानता का जुनून जो है वो स्वतंत्रता की आशा को क्या कर देता है, बिल्कुल वेस्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एलेक्जे टॉकविल। ये जो आपको इमेज में नजर आ रही है एलेक्जे टॉकविल, और इन्होंने भी यही चीज मानी, लिबर्टी और इक्वालिटी को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। एलेक्जे टॉकविल ने एम्फेसाइज किया था द फैक्ट दैट द डिजायर टू हैव इक्वालिटी कुड डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग लिबर्टी। यानी वो बेसिकली इस बात पर जोर देते हैं, इस फैक्ट पर जोर देते हैं कि जो इक्वालिटी है ना, जो समानता है, समानता की इच्छा स्वतंत्रता होने की संभावना को क्या कर देती है, नष्ट कर सकती है। यानी बेसिकली ये इन चीज पर ये एम्फेसाइज करते हैं कि फैक्ट, इस फैक्ट पर कि जो डिजायर है इक्वालिटी वो डिस्ट्रॉय कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग लिबर्टी। फिर नेक्स्ट है रिचर्ड नॉर्मन। ये जो आप लोगों को इमेज में नजर आ रहे हैं ये है रिचर्ड नॉर्मन। तो रिचर्ड नॉर्मन का बेसिकली ह्यूमन कैपेसिटी फॉर हैप्पीनेस आर सो मल्टीफॉर्म, इक्वालिटी इन द एरिया कैन बी रीच्ड ओनली बाय मैसिव एक्सटर्नल इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन पीपल्स लाइव्स। तो यहाँ पर बेसिकली मानते हैं रिचर्ड जो नॉर्मन के अनुसार सुख के लिए मानवीय क्षमता इतनी विविध है कि इस क्षेत्र में समानता लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बाहरी हस्तक्षेप से ही प्राप्त की जा सकती है। क्या चाह रहे हैं ये, तो रिचर्ड नॉर्मन जो है बेसिकली वो ये मानते हैं कि जो मानवीय क्षमता है ना सुखों के लिए, वो इतनी ज़्यादा अलग अलग है, इतनी ज़्यादा मल्टीफॉर्म है कि इक्वालिटी जो है इस क्षेत्र में जो समानता है वो लोगों के जीवन में बड़े पैमाने पर बाहरी हस्तक्षेप से ही मिल सकती है आपको। अगर आप एक्सटर्नल इंटरवेंशन करते हो तभी वो चीज़ आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना सारे बच्चे, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू दिस अ प्लॉजिबल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि समानता के आर्थिक पहलू और स्वतंत्रता के राजनीतिक पहलू के बीच प्रशंसनीय विरोधाभास है ना। इस दृष्टिकोण में ही कौन कौन आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर भी आते हैं, वॉल्टर बेगॉट आते हैं, लैकी आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप बात करते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो बेसिकली मानते हैं कि इक्वालिटी जो है वो लिबर्टी की बिल्कुल पूरक होती है। तो कौन कौन मानता है इक्वालिटी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू लिबर्टी, तो ऐसा कौन कौन मानता है, तो चलिए डिस्कस कर लें। तो जीन जैक रूसो, सबसे पहले आते हैं इसमें रूसो। रूसो ने क्या बोला, लिबर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इक्वालिटी। इन्होंने कहा कि भाई लिबर्टी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती विदाउट इक्वालिटी, ठीक है, यानी समानता के बिना स्वतंत्रता मौजूद नहीं हो सकती। उसके बाद एच ए ड्यू आते हैं, इन्होंने इम्प्लाइज किया कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट इन कंफ्लिक्ट और इवन सेपरेट बट आर डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ द सेम आइडल। इन्होंने क्या कहा कि लिबर्टी और इक्वालिटी क्या है, इन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, है ना, ना ही ये सेपरेट है एक तरह से, बट एक तरह से अगर आप देखो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट इन कंफ्लिक्ट और इवन सेपरेट बट आर डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ द सेम आइडल। यानी कि एक ही फेस, यहाँ पर क्या है, फेसेट्स हैं सेम आइडल के, यानी कि ये समानता और स्वतंत्रता संघर्ष में नहीं है, ये अलग भी नहीं है बल्कि एक आदर्श के विभिन्न पहलू हैं।
उसके बाद हेरोल्ड जे लास्की आते हैं, आई एम अर्जिंग दैट इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ मेक इम्पॉसिबल द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर अर्ज किया कि यहाँ पर ये आग्रह करते हैं कि धन की असमानता स्वतंत्रता की प्राप्ता को असंभव बना देती है। किसने कहा था, लास्की ने। लास्की ने कहा था कि अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, इनइक्वालिटीज है वेल्थ की, तो ये इम्पॉसिबल कर देगी अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद अर्नेस्ट बार्कर आते हैं, अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा, देखिए स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों को ये डेफिनेशंस करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज सारे बच्चे इन डेफिनेशंस को लिख लेना, ठीक है। अर्नेस्ट बार्कर अगर आप देखो तो ये बोलते हैं इक्वालिटी आइसोलेटेड प्रिंसिपल नहीं है, इट्स स्टैंड बाय द साइड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फर्टिनिटी, है ना। तो यहाँ पर ही रिकॉग्नाइज करते हैं दोनों को ही, पर्टिकुलर विद द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, यानी समानता एक अलग सिद्धांत नहीं है, ये स्वतंत्रता के सिद्धांत और बंधुत्व के सिद्धांत के पक्ष में खड़ा है, और इन दोनों के साथ विशेष रूप से स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तो ये अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि इक्वालिटी कोई आइसोलेटेड प्रिंसिपल तो है नहीं, अलग थलग तो है नहीं, ये किसके साथ खड़ा है, लिबर्टी और फर्टिनिटी के साथ खड़ा है, है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आपके नेक्स्ट थिंकर आते हैं ड्रॉथी एम पिकल्स, तो ये मार्क्सिस्ट थीसिस डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी इन एब्सेंस ऑफ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी विच अलोन मेक इट पॉसिबल। तो इन्होंने कहा था कि मार्क्सिस्ट थीसिस जो है वो डिनाई करती है पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी को, जो मार्क्सवादी थीसिस है वो आर्थिक असमानता की शर्तों के अभाव में स्वतंत्रता की संभावना को नकारती है जो इसे अकेले से संभव बनाती है, तो ये ध्यान रखना। और बाद में आर एस टोनी भी आते हैं बच्चों, आर एस टोनी तो आप सबने नाम सुना ही होगा, इफ लिबर्टी मीन्स द पावर ऑफ एक्सपेंशन इन ह्यूमन स्पिरिट इट इज रियली प्रेजेंट सेव इन अ सोसाइटी ऑफ इक्वल्स। तो इन्होंने क्या कहा, अगर मान लो जो लिबर्टी है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानव आत्मा में विस्तार की शक्ति है यानी इसको एक्सपेंड करना, तो ये शायद ही कभी समान समाज में मौजूद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं वो आ सकते हैं, डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी भी हो रही हैं, स्पेशल क्लास 4 PM हो रही हैं, ठीक है, और रिवीजन सीरीज मॉक टेस्ट संडे वेडनेसडे ले रही हूँ मैं, बाकी दिन आप लोगों के मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ टेस्ट की, ठीक है। आप अन अकेडमी पे आ सकते हो, जो भी नया बच्चा है वो अन अकेडमी पे आए, अनलॉक करना मीनाक्षी लाइव, और प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मेरी फ्री क्लासेस होती है अन अकेडमी पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं देती हूँ आप लोगों को फ्री क्लासेस के लिंक और इंपॉर्टेंट PDFs, सो यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। इसके साथ साथ एक काफ़ी अच्छा ऑफर भी चल रहा है, ऑफर ये है कि अगर मान लो आप लेते हो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अगर मान लो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा 3 मंथ का बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये ऑफर जो है वो वैलिड है सिर्फ 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक ये वैलिड है ऑफर, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, जो बच्चे 2022 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बच्चे ज़रूर आएँ, और यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।